मुकाबला नाइट राइडर्स बनाम किंग्स इलेवन। तो हमारे पास यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर की टीम मौजूद है। मैं सर चाहूंगा कि दो शब्द इस टूर्नामेंट के लिए कहें, जो कि सीए फरहत है ये सामने इतने नहीं बल्लेबाज के रूप में आगमन घटा है। आंखी बाएं क्रीज की तरफ, गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम। पहला ओवर काफी अच्छा रहा था, उनकी दूसरे ओवर लेकर के आए हैं और टीम का चौथा ओवर चलता हुआ। चलिए पहली गेंद कवरन अली स्ट्राइक पर, 21 रन बना करके नाबाद। 11 गेंदें अभी तक फेस की है। शॉट, ये कड़क है, ये भी चौका है। कमरन अली इज ऑन फायर, गजब की कर रहे हैं बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं वो जानते हैं ये महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है, अगर यहां से मैं एक अच्छा प्रदर्शन देता हूं तो टीम एक अच्छी टोटल तक खड़ा हो सकती है। अगली गेंद, और इस बार फिर से सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेलने का प्रयास। बीट हो चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाज, वेरिएशन से भरा हुआ ये गेंदबाज। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कटर की कर रहे हैं प्रयास, कभी गति में परिवर्तन, स्लोअर डिलीवरी, कभी तेज दरार गेंद, तो ये वेरिएशन जरूर होनी चाहिए हर गेंदबाज के अंदर। चलिए फिर से एक और बार बीट होंगे बल्लेबाज। पहली गेंद चौका आया था, उसके बाद दो गेंद लगातार गेंदे बिंदी आई है। अपील थी यहां पर लेकिन अंपायर तस से मस नहीं होंगे। हल्का तो से खेला यहां पर स्ट्रेट टू द फील्डर, और जितनी देर तक बॉल को कीपर के पास फेंकते उससे पहले ही रन कंप्लीट कर चुके थे यहां पर दोनों बल्लेबाज ने। 40 लग चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। ओवर की आखिरी गेंद, हल्के हाथों से संभाल कर खेलने का प्रयास। यहां पर कोई जोखिम भरा शॉट देखने को मिला नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 40, एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर समाप्त होता हुआ, दोनों बल्लेबाज अभी तक अच्छा प्रदर्शन देते हुए। एक तरफ कमरन अली शुरू में आए थे, 16 गेंदें खेली अभी तक, 26 रन बना करके नाबाद है। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज आए, अकीब अली, एक गेंदें खेली है उन्होंने अभी तक, 0 रन बना करके नाबाद। तो एक साझेदारी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि 10 ओवर का मुकाबला है। कहीं ना कहीं अगर दो बल्लेबाज और लगातार 4 ओवर बिना विकेट गंवाए खेलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं टोटल जो है वो कुछ और देखने को मिलेगा, स्कोर जो है कुछ और देखने को मिलेगा। 40 लग चुके हैं, 10.00 की गति के साथ चलते हुए यहाँ पर बैटिंग टीम। यहाँ पर हल्का तो खेला, रन आउट कम होगा, हो सकता है डायरेक्ट हिट, क्या लगी है। लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो चुकी है तो बिल्कुल अगर कोई संकोच हो तो अंपायर्स टीवी अंपायर की तरफ जा सकते हैं। और फिर से एक और बार जड़ में डाली, यहाँ पर विकेट कीपर के हाथ से बॉल छिटक गई थी। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ अभी तक। अगली गेंद फिर से एक और बार तैयार, हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की दिशा में फील्डर, और यहां पर 2 रन लेना चाहते थे, अगर लेते तो शायद गलती करते। व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, अतिरिक्त रूप में एक और रन जुड़ेंगे यहां पर।
अगली गेंद फिर से कब तैयार रहेंगे, यहाँ पर 44 लग चुके हैं। देखिए हेलो हेलो और फुल टॉस, गेंद हवा में है नीचे, फील्डर मौका बन सकता है, व्हाट अ कैच। चलिए अच्छी पारी की होगी समाप्त, यहां पर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। अभी तक एक तरफ से कम रन जिस लय में नजर आए, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। अगर टीम को एक अच्छे पोजीशन में ले जाना है तो आपको एक तरफ से बने रहना पड़ेगा। अगली गेंद, तेज दरार गेंद थी, कमाल की ये टप्पा और सीधे गई विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की होगी समाप्ति 5 के बाद 44, 2 विकेट के नुकसान पर। आधी पारी समाप्त होती हुई यहां पर, पहली पारी में 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर इसी तरह पारी चलता हुआ पॉजिटिव स्कोर बताता हुआ अभी तक 88 रन तक आप पहुंच सकते हैं अगर इसी गति के साथ चलते हैं। शुरुआत अच्छा मिला था लेकिन उसके बाद 2 झटके जिसके कारण थोड़ी बहुत वो स्ट्राइक रेट की अगर ध्यान दें तो थोड़ी बहुत कमी है जरूर कमरन अली की। एक तरफ आसिफ अली, दूसरी तरफ कमरन अली। अली आए हैं गेंदबाजी करने, सामने कमरन अली गेंदबाजी करेंगे। गुरबेज अली 28 रन बना करके नाबाद, और काफी खराब गेंद थी, और खराब गेंद अगर आप कमरन के सामने डालोगे तो वो नतीजा देना जानते हैं। 1 बाउंस आएगी, दर्शक के पास मिलेगा चौका। और इसी चौके के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होते हुए रन जाकर के पहुंचेगा 48, 48 रन तक पहुंच चुकी है टीम। शुरुआत जो चाहिए थी वो जरूर मिली है, कहीं ना कहीं एक और बार डाउन द लेग स्टंप, इस बार दिशा से भटके वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, एक और रन जोड़ लीजिए अतिरिक्त के खाते में। अगली गेंद तैयार फिर से एक और बार अली, हाँ गति में परिवर्तन, स्लोअर डिलीवरी, सामने की तरफ पड़े नहीं पाएंगे बल्लेबाज, यहां पर बीट होते हुए 20 पे 32 बना करके नाबाद यहां पर कमरन। हाँ इस बार सीधे कमेंट्री बॉक्स में, कवर की दिशा में झनझनाते हुए 6 रन कमरान के बल्ले से, गजब का शॉट, आगे बढ़ा था, सफल किया था और इस शॉट में सफल भी होंगे। ओहो यहां पर एक आसान सी गेंद थी, छोटी गेंद थी, बीट हुए स्टंप को निशाना बनाया था और सटीक निशाने में गेंद विकेट आएगी, सफलता मिलेगा यहां पर।
एक और सफलता सेट बल्लेबाज कमरान को भेजा है वापस 55/3। चेन्नई बल्लेबाज यावर आए हैं बल्लेबाजी करने। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर बॉल को पकड़ते ही सीधे विकेट कीपर के हाथ में थ्रो। छठे ओवर की प्रगति में मुकाबला चलता हुआ अगली गेंद शॉट किया मानो बॉल में, जिस तरह से शॉट किया था ऐसा लगा कि थप्पड़ सा लगाया हो, लेकिन बॉल गई सीधे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में। सिंगल आएगा और जिस तरह से कमरान ने शुरुआत दी थी अपनी टीम की उसके बाद से मानो टीम थोड़ी बहुत स्लो पड़ी है। ओवर की समाप्ति यहां पर 6 के बाद 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर गेंदबाजी की बात करें तो अभी तक 7 रन एक्स्ट्रा के रूप में दी गई है, टोटल 57 रन लग चुके हैं, 3 कीमती विकेट गंवाए हैं। छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा, स्वागत करेंगे मुन्ना भैया का, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सुशील। स्कोर इस वक्त 57 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, छोटी बॉल, एक्स्ट्रा कवर को निशाना बनाया था लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। बिंदी बॉल के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए सरताज मियां। सरताज मियां पिछले साल भी इन्होंने सुर्खियां बटोरा था। लीजिए, जिस स्ट्रोक का प्रयास पिछली गेंदों पे हुआ नहीं हुआ वो काम अब किया। शॉर्ट सुपर, गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। यूज अ मैक्सिमम सिक्सर। इस छक्के की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 63। बॉल बॉय आप एक्टिव रहें। छह दशमलव 2 ओवर के बाद 63 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छा स्ट्रोक आसिफ अली के द्वारा, कदमों का इस्तेमाल किया बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश। गेंद हवा में, टॉप एज लगी है, नीचे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती। विकेट नंबर 4। मिलक प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये पहला दिन और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला आप सभी देख रहे हैं। MPL सीजन 3 का काफी समय से ये तैयारी चल रहा था और इस तैयारी का क्या कारण रहा, जो लंबा समय लगा, लंबे वक्त लगे इस तैयारी में, वो सभी आपके स्क्रीन पे नजर आते हुए, वो सभी इस ग्राउंड से आपको साफ झलक रहा है। किस तरीके से सारी चीजों को मेंटेन किया गया, चाहे वो दोनों टीमों के डग आउट हो, चाहे वो मूल मंच हो, चाहे वो हमारा कमेंट्री बॉक्स हो, चाहे वो कंट्रोल रूम हो, चाहे वो ऑपरेटिंग रूम हो, जो भी जगह हो, चाहे वो साउंड सिस्टम के लिए जो व्यवस्था बनाई गई हो, इन सभी चीज़ों पे नज़र डाले, बैनर पे नज़र डाले, होर्डिंग पे नज़र डाले, प्रेजेंटेशन एरिया पे नज़र डाले, हमारा प्राइज सेरेमनी जिस एरिया में होना है उस एरिया पे नज़र डाले, बाउंड्री लाइन पे जो सीमा रेखा का जो आकार दिया गया उस पे नज़र डाले, उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट का जो बैनर लगाए गए हैं, ये सभी चीजों पे आप नजर डालेंगे तो सारी चीजों को और ये लीजिए चौके का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का अपने अंदाज में चौका निकलता हुआ है। स्कोर इस 4 की मदद से 67। मूल मंच जो हमारा मेन स्टेज है, ध्यान रहे उस पर कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी
या फिर हमारे अतिथि के अलावा कोई भी अतिरिक्त पर्सन ना जाए, वो एरिया जो है वो हमारे अभिभावक, मार्गदर्शक, गार्जियन लोगों का है, हमारे आए हुए गेस्ट, चीफ गेस्ट, इन सभी लोगों का है, तो प्लीज़ उस एरिया में आप नहीं जाए। छोटी गेंद, यहाँ दो रन मिला। सात ओवर की समाप्ति के बाद 68 पे 4। नए ओवर की शुरुआत, बड़े स्ट्रोक की प्रयास, बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का मिला सहारा, अंपायर ने कर दी है उंगली खड़ी, मिल जाएगा विकेट, विकेट नंबर 5। साउंड ऑपरेटर एक्टिव रहेंगे आप भी। फैज भाई का दिल बेकरार है कि चौके छक्के पे कुछ तरके लगने चाहिए। नए बल्लेबाज के रूप में शाहरुख, ये लीजिए बढ़िया हुक किया है और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ स्टेडियम, सिक्सर। वो आते के साथ पारी का शुरुआत जो किया है ना, छक्के के साथ किया, जो स्क्वायर लेग के ऊपर से सिक्स लगाया। नाम शाहरुख है, शाहरुख ने, शाहरुख नाम का एक खिलाड़ी पिछले साल भी धूम मचाया था। एक बार फिर से दिशा वही, दशा वही, नतीजा वही, एक और सिक्सर। है किनारा, नहीं करेंगे विकेट कीपर कोई गलती और ये विकेट नंबर 6। की विशेषताओं की तरफ एक बार रुक करते हैं, इस टूर्नामेंट की विशेषताओं की तरफ। कोर कमेटी मेंबर सीए फरहत मियां साहब, जिनके द्वारा ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज किया गया, उनके साथ कोर कमेटी में नवाब रजा खान, मोहम्मद फैज, वही अगर हम सपोर्टिंग मेंबर की बात करें जो सपोर्ट किया है, नईमुल्ला खान, वाजिद मियां, माजिद मियां, तनवस मियां, जो बीएसएनएल के जो वायर बिछाई गई यहाँ तक उन्होंने वायर लाने में जो काम किया, तनवास मियाँ साहब, पिछले साल इनके द्वारा लगभग 1.5 लाख की लागत से वायर का कनेक्शन लगाया गया था और वाईफाई की सुविधा उन्होंने मौजूद कराया था, और इस बार भी इन्होंने कई लाख रुपए लगा चुके हैं इस वाईफाई की सुविधा के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद तनवास मियाँ साहब का। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 80 पे 6।
8 के बाद 80 पे 6, दो ओवर का और खेल बाकी। यहां से कदमों का किया इस्तेमाल, बड़े स्ट्रोक की तलाश, बल्ले पे कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी। कासिफ मियां 9वें ओवर का गेंदबाजी करते हुए, इससे पहले वाला ओवर 15 रनों का था कासिफ मियां का। ऑन साइड पे खेला गया स्ट्रोक, पीछे फिटर मौजूद है, मिलेगा सिंगल। इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा 81। पिछले मुकाबले की मुताबिक अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो एक अच्छा टोटल बना रही है टीम नाइट राइडर्स। मैंने स्ट्रोक की तो प्रयास की थी लेकिन कोई संपर्क हुआ नहीं। एक्रॉस खेलने गए, बल्ला एक्रॉस गया लेकिन बल्ले से कोई मिलन नहीं। कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद को ओवर पिच बनाया, टांग दिया हवा में, लॉन्ग ऑन के पीछे फील्डर मौजूद, पकड़ा कैच, मिलेगा विकेट, विकेट नंबर 7। ये गेंद भी ऊपर गई है, दूर नहीं, नीचे फील्डर एक बार फिर से पकड़ेंगे कैच, एक और विकेट। यह 8वां झटका लगा है बैक टू बैक। कासिफ मियां का पिछला ओवर 15 का था लेकिन इस ओवर में इन्होंने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया, ये पूरी तरीके से गेम को पलट के रख दिया है। ओवर की आखिरी गेंद, सिंगल के लिए कट किया, सिंगल पूरा करेंगे। पिछले ओवर से आया 2 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट, 9 के बाद 82 पे 8, टीम नाइट राइडर्स। बड़े स्ट्रोक की कोशिश, स्टप अप करने के बाद इनसाइड एज हुई, कोई रन नहीं, बिंदी बॉल आता हुआ, स्कोर अभी भी 82। अंतिम ओवर चल रहा है, इस ओवर में चाहेंगे टीम नाइट राइडर्स की कम से कम 10 से 12 रन बटोरे जाए। कदमों का इस्तेमाल किया है, खूबसूरत तरीके से गेंद को कवर की दिशा में खेला, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 82 के बाद अब 83 होता हुआ। नाजिम अली नॉन स्ट्राइक पे, 3 गेंद में 2, यावार की बात करें 4 गेंद में 2। खूबसूरत स्ट्रोक, 30 सर्कल के थे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर, फायदा उठाया, चौका मिलेगा। लीजिए कमाल का शॉट, हवा के साथ साथ घटा के संग संग दर्शकों के बीच में सिक्सर।
पीछे फील्डर कोशिश अच्छी मगर बनेंगे दर्शक, मिलेगा एक और मैक्सिमम। की मदद से स्कोर 99। अंतिम गेंद, इस गेंद को भी उड़ाया आसमान की तरफ। ये गेंद एक बार फिर से स्टैंड में, स्टैंड एंड डिलीवर। अंतिम के चार गेंदों पे 22 रन लगाकर मानो रिंकू सिंह का याद दिला दिया हो। क्या शॉट खेला है यावर, क्या कमाल की पारी। और इसी के साथ 100 के आंकड़े को पार कर लिया है, ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई है टीम नाइट राइडर्स 105। पे ये पहला ओवर, पहला पारी जो जिस तरीके से घटा है, कमरान 38 रन, सरफराज 10, आकिब 0, आसिफ 7, क्या बेहतरीन पारी रही। और एक इस तरह से देख सकते 105 बने 8 विकेट के नुकसान पे। काफी महंगे रहे गेंदबाज रवि चावला, दो ओवर में 35 रन उठाए अपनी टीम के लिए, दो विकेट जरूर महत्वपूर्ण उन्होंने दर्ज किया मगर रन लुटाए 105 पे हुई है पहली पारी खत्म। और 106 रनों का होगा लक्ष्य, देखना होगा इस 106 रनों को किस तरीके से चेस कर पाती है किंग्स इलेवन या फिर डिफेंड करने में कामयाब होगी नाइट राइडर्स। इससे पहले वाला जो पहला मुकाबला रहा वो चेस करते हुए टीम जीती, ये मुकाबला क्या चेस होगा या डिफेंड। लौटेंगे दूसरे इनिंग में, बन रही है आप tenniscricket.in YouTube चैनल के साथ। मैं बता दूं कि कोर कमेटी मेंबर जनाब सीए फरहत मियां साहब, नवाब रजा खान, मोहम्मद फैज, वही अगर हम सपोर्टिंग मेंबर की बात करें नईमुल्ला खान, वाजिद मियां, माजिद मियां, तानवास मियां,
मियां स्वागत वेलकम खैर मकदम इस्तकबाल आप सभी का एक बार फिर से मिलेक प्रीमियर लीग सीजन 3 में दूसरा मुकाबला सेकेंड इनिंग का खेल शुरू होता हुआ। नाइट राइडर्स ने बनाया 105-106 का रखा है लक्ष्य और किंग्स 11 इस 106 रनों का पीछा करने के लिए दो ओपनर बैटर साहिब और मोहम्मद सालिक मोहम्मद सालिक और साहिब बल्लेबाजी करने के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए ओपनर बैटर के रूप में किंग्स 11 की तरफ से 106 का जवाब देने के लिए सेकेंड इनिंग रन चेस के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल के साथ गेंदबाज आसिफ अली नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर। ओ ये देखिए मलिंगा एक्शन में गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा पड़ने के बाद बॉल बिल्कुल नीचे रही और ये दुविधा में डालेंगे, ये गेंदबाज दुविधा में डाल सकते हैं बल्लेबाज को क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये विकेट धीमा है, पहले से ही गेंद पूरी तरीके से क्लियर बल्ले तक पहुंच नहीं पा रही है, फंस के बल्ले पे आ रही है, उसके बाद ये एंगल और एंगल के साथ गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहेगी, ये आसान नहीं होने वाला है। वाइड बॉल, ये देखिए कितना क्विक एंड फास्ट, ये 5G सर्विस भी इतना फास्ट नहीं जितना फास्ट हमारे ये मुख्य निर्णायक सुरेंद्र नारायण सिंह है। ये देखिए ये स्लो मो में भी वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। ये एक बार फिर से कप्तान आसिफ अली अगली गेंद के साथ, साहिब कदमों का इस्तेमाल किया था और यहां मिसफील्ड हुई है। रन संख्या 4, पहला ओवर का खेल चलता हुआ और क्या शानदार आयोजन किया है जनाब सीए फरहत मियां साहब ने।
मिलक में एक अलग सुर्खियां बटोरा गया इस मिलक प्रीमियर लीग एमपीएल 3 के द्वारा। काफी सारे हमारे स्पॉन्सर तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, काफी सारे सपोर्टिव मेंबर जो काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सैयद मियां के साथ एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड कह सकते हैं, नवाब रजा खान, मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज अगर लेफ्ट हैंड है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा सीए फरत मियां साहब को। और राइट हैंड कहें तो नवाब रजा खान, अगर फैज भाई को अगर वहां पे भी रखा जाए तो थोड़ा सा दाहिने हाथ में भी फरत मियां साहब को ताकत रखना होगा। यानी कह सकते हैं ये दो बाजू है, एक फैज दूसरा नवाब रजा खान, और दोनों का मतलब होता है एक ओवल टाइप कह सकते हैं। नवाब मतलब राजा महाराजा शहजादा, फैज का मतलब कि एक आला मुकाम। तो दोनों अव्वल दर्जे के ही है। फैज का मतलब फायदा। कदमों का किया इस्तेमाल खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल सामने तीर की तरह बिल्कुल सीधा, मिल जाएगा बाउंड्री, निकलेगा चौका। एक बार फिर से ये बल्ले का किनारा, विकेट कीपर के पहुंच से दूर, शॉर्ट थर्ड के फील्डर ने बाकी का काम पूरा किया, कोई रन नहीं। काफी अच्छा माहौल बनता हुआ इस पहले ओवर से, एंगल देखिए एंगल के साथ, ओहो कमाल की गेंदबाजी आसिफ अली। चौके लगे जरूर लेकिन एक एंगल बनाकर गेंदबाजी करते हुए हाथ के साथ एक कोन बना रहे हैं। टप्पा पड़ने के बाद गेंद नीचे रहती हुई समझ पाना बहुत कठिन बल्लेबाज के लिए, और बड़ा टोटल भी है 106 रन लक्ष्य रखा गया है। अच्छा स्ट्रॉक खेला है, शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। पहला ओवर मुकम्मल, एक के बाद 10 पे शून्य टीम किंग्स 11, 10 बिना किसी विकेट के एक ओवर की समाप्ति के बाद। आप देख रहे हैं एमपीएल सीजन 3 मिलक प्रीमियर लीग 2024 एडिशन 3, ऑर्गेनाइजर जनाब सीए फरहत मियां साहब, उनके साथ में है लेफ्ट हैंड राइट हैंड दो साथी नवाब रजा खान मोहम्मद फैज, लेकिन सपोर्टिंग मेंबर में नईमुल्ला खान, वाजिद मियां, माजिद मियां, तनवास मियां, तारीफ करनी होगी इन सबों की। और टेंट जो आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये जो खूबसूरत टेंट है तैबा टेंट हाउस फहद मियां, एमपीएल नाम नहीं ब्रांड है। ओवर की शुरुआत, क्या विकेट के साथ, ओ माय गॉड, ये लीजिए जर्सी नंबर 17 बल्लेबाज के लिए बनकर आ गए खतरा। यहां से पूरा क्लीन कैच नजर आया है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे अंपायर, लेकिन बल्लेबाज यहां अब आपकी सांसें बंद होने वाली है। ये देखिए रिप्ले में वो कैच पे नजर डालते हैं, जरूर टीवी अंपायर चेक करना चाहेंगे। टीवी अंपायर मिस्टर आकाश कुमार, वेरी स्टाइलिश एंड हैंडसम, एक खुश मिजाज आकाश भाई टीवी अंपायर की जिम्मा संभाले हुए हैं। ओ यू टी लौटेंगे वापस, इस कैच को एक बार फिर से नहीं आ रही है। ओहो क्या कैच है, ये शॉट था, टॉप एज लगी थी, गेंद हवा में काफी देर तक रही, लेकिन वाइड इज लॉन्ग ऑन पे 17 नंबर की जर्सी में इस खिलाड़ी के लिए चुनौती था, चुनौती को स्वीकार किया और गेल बल्लेबाज को चलता कर दिया है। पहला झटका 10 पे, बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं रवि चावला। गेंदबाजी में महंगे साबित रहे थे रवि चावला, लेकिन बल्लेबाजी में कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं अपनी टीम के लिए, एक सही वक्त है, सही समय है,
कि रवि चावला आकर अपनी टीम के लिए बेहतर परफॉर्म करे, एक बड़ी पारी खेले, लेकिन क्या होगा, क्या खेल पाएंगे किंग्स इलेवन वर्सेज नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला। फुल टॉस बॉल कवर की दिशा में ड्राइव कर दिया है, पीछे फील्डर हैं, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 11 रन एक विकेट के नुकसान पे रवि चावला सिंगल के साथ ऑफ द मार्क, और पहली बार स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज मोहम्मद सालिक खान। सिंगल चाहते हैं, मिलेगा नहीं, पिंदी बॉल 106 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए किंग्स इलेवन को, जिसके जवाब में 11 रन, अच्छा स्क्वायर कट किया है, गेंद जा रही है पॉइंट की जानी, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल यहां भी मिलेगा, बढ़िया अच्छी सोच भी है दोनों बल्लेबाजों की कि अभी अभी विकेट का वक्त लिया जाए, रोटेशन आ रही है, ये बेहतर सोच है। एक और सिंगल का प्रयास, सिंगल करेंगे मुकम्मल, रन संख्या बढ़ता हुआ 13, ये ओवर काफी अच्छा घट रहा है, आकिब अली मात्र 3 रन खर्च इस ओवर से अभी तक किया है, और तेज गति की गेंद गुड लेंथ पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्त तेज और गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, पड़ने के बाद इतनी तेज आई कि शायद समझ ना पाए बल्लेबाज। दूसरा ओवर मुकम्मल 2 के बाद 13-1, पिछले ओवर से 3 रन साथ में 1 विकेट, अभी तक 5 अतिरिक्त के रन है इस 13 रन में। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग एमपीएल सीजन 3, तीसरा साल बेमिसाल कर दिया है कमाल सीए फरहत सैयद मियां साहब ने, मचा दिया है धमाल, एमपीएल नाम नहीं ब्रांड है। कह सकते हैं फैज भाई कि रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए, हम तो है क्रिकेट के दीवाने, हमें तो एमपीएल कप चाहिए, और एमपीएल 3 का आयोजन आप सबों के सामने। चलिए नया ओवर का शुरुआत हुआ है, बड़े स्ट्रोक क्या आएगा, नहीं विकेट जाएगा, एक और विकेट, विकेट नंबर 2, पावर प्ले में ये दूसरा विकेट गवा दिया है किंग्स इलेवन। अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पे मतीन खान आएंगे बल्लेबाजी के लिए नंबर 4 पे। टीम की हालात इस वक्त नाजुक, 47 गेंद से 93 रनों की जरूरत। मैं मुन्ना मुजफ्फरपुर बिहार से, हमारे साथ हमारे को कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स में सुशील शर्मा बंगाल से मौजूद है, लगातार हमारा साथ निभाते हुए कमेंट्री बॉक्स में। रन संख्या 13-2, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, पैर पे गेंद थी, फ्लिक किया मिड ऑन पे फील्डर, कमाल की फील्डिंग, नहीं मिलेगा कोई रन, एक और डॉट डिलीवरी, ओह बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहला बॉल विकेट उसके बाद डॉट, परेशान कर दिया है बल्लेबाज को, लेकिन शॉट कोई खराब था नहीं। एक बार फिर से लेंथ बॉल और इस गेंद को हिट किया, डिपॉजिट किया स्टैंड में, स्टैंड एंड डिलीवर मतीन खान, जड़ दिया छक्का। विश्व की बात करें, रन मशीन विराट कोहली, किंग कोहली,
उसी जर्सी में देखिए फॉलो करके गए थे, ऑफ स्टंप्स की तरफ सफल करके गए, बल्ले का किनारा, मिलेगा चौका, सीमा रेखा पार, रन मिलेगा चार। विकेट था, दूसरा डॉट था, उसके बाद एक छक्का एक चौका, और मानेंगे नहीं मतीन खान, ये जब तक रहेंगे ये करते रहेंगे। जी हाँ, ये भी गेंद बल्ले के बीचों बीच, दर्शक को बोला हाय हाय, फील्डर को बोला टाटा बाय बाय सिक्सर। तीन गेंदों पे तीन बाउंड्री, 2-6-1-4, 29 रन। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, एक्सिलरेट कर दिया है, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल लुकिंग लाइक अ वाओ, फील्डर जाओ कोसो दूर से गेंद उठाकर लाओ, मतीन खान आन बान शान इस टीम का जान। रन बटोरे हैं, वो अंतिम पांच गेंदों का हाल है, और उस पांच गेंद में सबसे जो पहला बॉल था ना वो डॉट था, जो मिड ऑन फिफ्थ क्षेत्ररक्षक ने गेंद को रोका था। पावर प्ले का ओवर खत्म हुआ, 35-2, किंग्स 11 किंग की तरह खेल रही है, दूसरे तरफ नाइट राइडर्स वो भी किंग खान की टीम। तीन ओवर के बाद 35-2, यावर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 17 नंबर की जर्सी में है यावर। बल्लेबाजी में भी इन्होंने एक छोटा सा पारी खेला, लेकिन वो छोटा सा पारी, लेकिन वो बहुत ही रोचक पारी रहा, वो जितना देर वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो 22 रनों की छोटी पारी, उस 22 रनों में एक अच्छा रोल निभाया इस खिलाड़ी ने। लेकिन अब इनके हाथों में गेंद है, यावर जर्सी नंबर 17, और कहते हैं 17 वाला जो समीकरण होता है वो खतरा वाला भी होता है, अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो वहां पे ए बी डी, साथ ही साथ ऋषभ पंत चुलबुले शख्सियत। बहुत धीमी गति की गेंद, बहुत टाइम था इसे स्ट्रोक को खेलने के लिए, पॉइंट पे जड़ दिया, यूज 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 अ मैक्सिमम सिक्सर। का स्कोर 41, चौथा ओवर चल रहा है, 40 रन बन चुका है, 11 से भी कम का रिक्वायर्ड रन रेट है। ये डिलीवरी बहुत अच्छी हुई है, ये परफेक्ट कह सकते हैं डिलीवर हुआ है जहां वो चाहते थे, और ये हमारा मूल मंच, इस मूल मंच पे देख सकते हैं ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केयर प्राइवेट लिमिटेड, उनके सभी मेंबर, साथ में सीए फरत मियां साहब जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, लेकिन यहां पर फंस गए ऐसा लगता है, और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। चलिए रिव्यू का किया इस्तेमाल, टीवी अंपायर आकाश के तरफ अब हम सभी चलेंगे। अच्छा कट किया था, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में इस शॉट को खेला था, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, रनआउट की कोशिश, लेकिन क्या पहुंचे या नहीं इसको चेक करना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट नहीं लगी थी वो, विकेट कीपर के द्वारा रनआउट की कोशिश की गई थी। नॉट आउट, सुरक्षित होंगे बल्लेबाज, टेक्नोलॉजी आपके पास है और टेक्नोलॉजी का यहां पे सही इस्तेमाल किया जा रहा है मिलक प्रीमियर लीग में, एमपीएल सीजन 3 में।
42 रन अभी भी लगे हैं, 42 पे दो, चौथा ओवर का खेल जारी, 64 रनों की और आवश्यकता। करेंट रन रेट यहाँ 12 का प्रति ओवर चल रहा है। अगर हम बात करें रिक्वायर्ड रन रेट का वो तो 9.85 का चाहिए, ज़्यादा ये कठिन होना नहीं चाहिए जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है किंग्स इलेवन की तरफ से, और खास तौर से मतीन खान के ऊपर रहेगी नजरें। छोटी गेंद और इस गेंद को भेज दिया है वाइड, इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से चरण। बाद में ऐसा लगा कि शायद इन्होंने देखना गेंद को पसंद किया नहीं, बस मारना पसंद किया। वो बाद में निगाहें जमीन की तरफ लेकिन गेंद आसमान की तरफ भेजा। 48, एक और छोटी गेंद, टॉप एज लगी है और ये कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका मतीन खान के रूप में। 7 गेंद से 28 बनाकर लौट रहे हैं, छोटी गेंद थी ये देखिए, वो बहुत ज्यादा टाइम था इनके पास कि वो मनचाहा स्ट्रोक लगा सकते हैं, लेकिन टॉप एज लगी, गेंद वहीं पे खड़ा हुआ, नीचे गेंदबाज खुद जाकर कैच को मुकम्मल किया। मगर यावर ने 13 तो खर्च किए मगर बड़ा विकेट। इस वाइड की मदद से इक्वेशन अब बदलता हुआ, 49 जीत के लिए 57 रन 37 गेंदों से, 37 गेंद 57 की जरूरत, टॉट डिलीवरी के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 4 के बाद 49 पे 3 आने वाले 36 गेंदों से 57 रन चाहिए जीत के लिए किंग्स इलेवन को। सिट बल्लेबाज है डगआउट में, नए बल्लेबाज आए हैं सरताज मियां जो एक गेंद पे 0 है, 6 गेंदों पे 8 रन बनाकर ओपनर बल्लेबाजी के रूप में। मोहम्मद सालिक, सालिक 8 रन, सरताज मियां 0, 4 के बाद 49 पे 3। पांचवा ओवर लेकर तैतालीस नंबर की जर्सी में आकिब फ्रंट फुट पे आके खूबसूरत तरीके से थ्रू दी लाइन गेंद को पुश किया और ये लीजिए डायरेक्ट हिट। वो हाथ से बल्ले छूट गए थे और ऐसा स्टंप्स पे जाके थ्रो किया कि दिल भी टूट गए। उसी बैट नहीं छूटे हैं, दिल भी टूटे हैं, मन भी रूठे हैं और विकेट भी गवा देंगे, विकेट नंबर 4। ये देखिए स्क्रीन पे हुसैन भाई जो हमारे एक प्रमुख स्पॉन्सर के रूप में है, काफ़ी अच्छा सहयोग इनका भी रहा है। हुसैन भाई मुस्कुराता हुआ यह चेहरा, मिलक प्रीमियर लीग का इनके सर पे कैप विराजमान है और ये भी हर वक्त को, हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए, एंटरटेन करते हुए। चौथा झटका लगा है 49 के स्कोर पे टीम किंग्स इलेवन को। अब बल्लेबाजी करने के लिए
मेहरोज। नंबर छह पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मेहरोज। क्या साली का साथ दे पाएंगे? साली का आठ गेंद से आठ बनाकर नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है और ओपनर बैटर के रूप में आए थे। चार खिलाड़ियों को वो आउट होते हुए देख चुके हैं, शायद उनके मन में यही चल रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, स्ट्राइक तो दो, स्ट्राइक पे तो लाओ। खूबसूरत तरीके से फ्रंट फुट ड्राइव करने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। और ये देखिए नवाब रजा खान जहां रहते हैं माहौल बनाए रहते हैं और इस वक्त खास गुफ्तगू चल रही है इस एमपीएल को लेकर। बड़े स्ट्रॉक की प्रयास, बल्ला बहुत तेज घुमा, संपर्क हुआ नहीं मेहरोज के बल्ले से। मेहरोज तीन गेंद शून्य, आठ गेंदों से आठ रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सालिक। फुल टॉस बॉल, ये मौका मिला था बड़े स्ट्रॉक खेलने का, हाथ खोलने का, मगर सिंगल लेने का इरादा बनाया, सिंगल पूरा करेंगे और सिंगल के साथ रन संख्या 50 कंप्लीट होता हुआ, पांच के बाद 50 पे चार। पिछले ओवर से मात्र एक रन और अभी तक एक्स्ट्रा के रूप में 6 रन। अब देखिए जीत के लिए चाहिए 30 गेंद में 56। आकिब अली पिछला ओवर बहुत बेहतर रहा, अभी तक दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए 4 रन खर्च किए, एक विकेट निकाले, लेकिन अच्छी बात यह है कि आकिब का ओवर खत्म हो चुका है, ये किंग्स 11 के लिए अच्छी बात है। अब बचे हुए यहां से 30 गेंद, पहले 30 गेंदों में बना है 50, आने वाले 30 गेंदों में चाहिए 56। 8 गेंदों पे 8 पे है सालिक, मेहरोज 4 गेंदों पे 1 और होगा कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। जुड़ेंगे हमारे साथी को कमेंटेटर मिस्टर सुशील शर्मा, मैन फ्रॉम बंगाल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भैया। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला था कुछ समय पहले, बेहतरीन तरीके से अपने बल्ले से प्रहार कर रहे थे, बड़े बड़े हिट लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार वो विकेट, वो कीमती विकेट। जैसे नंबर 17 फिर से एक और बार गेंदबाजी करने आए मेहरोज, कीमती विकेट उन्होंने दिलाई थी अपने टीम के लिए। आखिरी एंड पर गजब का ये शॉट, बेहतरीन ये शॉट, डीप स्क्वायर ले को चीरती हुई बॉल जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा 4। छोटी गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से खेलने का प्रयास था, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। एक और बात यार, अब स्ट्राइक पर मोहम्मद, लेक्स्टम को, लेक्स्टम की काफी बाहर गेंद थी, बल्लेबाज ने जाने दिया, अतिरिक्त रूप में एक और रन जुड़ेंगे यहां पर। काफी सारे अतिरिक्त देखने को मिले हैं इस पूरी पारी में, अब चाहे जीतने के लिए 27 गेंदों में 48 रन, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि कभी भी किसी वक्त ये मुकाबला ना किसी भी पक्ष में जा सकती है। और ये गेंद फिर से कौन तैयार रहेंगे गेंदबाज मोहम्मद कैफ, शॉट किया ये कड़क है, गया ये दर्शक दीर्घा में है, गजब का ये शॉट, एक और गगन चुम्मी छक्का। और 11.29 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ, करेक्ट रन रेट के साथ चलते हुए
और फिर से हवाई फायर, एक और उससे भी दूर, उससे भी लंबा, मिलेगा आधे दर्जन रन। नाइजर के जिनके दौरान ये अच्छी खूबसूरत टूर्नामेंट आप सभी देख पा रहे हैं, सीए फरहद मियां सर, उनके नन्हे सितारे आ चुके हैं हमारे ग्राउंड में और बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, काफी प्यारे, काफी क्यूट। सफवान सैयद जी, स्वागत है आपका, बेबी प्रिंस काफी क्यूट, और वो भी जरूर ये देखिए, एक साथ दादा भी हैं और उनके अब्बू भी हैं, ये लखते जिगर सैयद फरहत मियां साहब के। उस चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है, उस चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है, उस चांद की, उस चांद को जाके कोई समझाओ कि सैयद फरहत मियां के पास ये हीरा ये कोहिनूर है। क्या कहने, क्या कहने मुन्ना भैया आपके, तो कोहिनूर वो आ चुके हैं, आगमन घटा है उनका, बहुत बहुत स्वागत करेंगे उनको भी। और चार चांद लगा रहे हैं फिलहाल ग्राउंड में, 70 रन लग चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति पर, 24 गेंदे चाहिए, 36 रन, कुछ खास रन चाहिए नहीं यहां से जीतने के लिए। अच्छी गेंद, तेज दरार थी, जड़ में डाली थी, डीप मिड विकेट। अगली गेंद फिर से कब होती है, स्ट्राइक पर रहेंगे इस बार मैरोज, हाँ मैरोज का ये बड़ा शॉट, वन बाउंस, टू बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेगा एक और चौका। मोर महरूज के बल्ले से मिला है एक और दंदन आता हुआ फोर, अगली गेंद तैयार और यहां पर नन्ना सितारा, और यहां पर फील्डर्स में शायद कुछ अलग तालमेल नजर आई थी, और आप लैंग्वेज खराब कर नहीं सकते ग्राउंड के अंदर, वरना अगर दूसरी टीम वन करती है तो पेनल्टी जरूर, आपने सुनी होगी 2100 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर आ सकती है। और यहां पर ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद, और एक और बार इशारा आएगा बेली बॉर्डन जी की तरह, वाइड गेंद, अतिरिक्त रूप में एक रन, एक एक रन कीमती है, आप इतने सारे रन नहीं दे सकते हैं। और छोटी गेंद सफल करके क्रॉस द लाइन जाकर के पुल करने का प्रयास, सिंगल ही आएगा, पीछे की तरफ फील्डर मौजूद थे। और तेज थी गेंद जिसके कारण कनेक्शन सही तरीके से हुआ नहीं, एक और सिंगल आएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ना वो काफी क्लोज जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां से अगर आप एक बड़े हिट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आप बिल्कुल काफी हद तक वापस आ जाएंगे, लक्ष्य बड़ा था, एक समय से ऐसा लगा था आखिरी ओवर में जिस तरह से रन आए थे। और एक और बार, एक और बार खराब गेंद, वाइड करार दी जाएगी, बिल्कुल इस बार ऐसा लगा कि डीडीएलजे के स्टाइल में, शाहरुख खान के पोज में, दोनों बाहें फैलाकर बताएंगे अंपायर महोदय ये वाइड है,
हाँ पुल किया पीछे फील्डर, लेकिन रहकर भी फायदा होगा नहीं, वन बाउंस स्टेडियम के बाहर 4 रन के लिए। ऑर्गेनाइजर सर, जिन्होंने इतनी खूबसूरत 4 चांद लगा दिए हैं हमारे सीए फरज सैयद मियां सर, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उनकी दो साथी नवाद रजा खान और उसी के साथ साथ मोहम्मद फैज, हमारे इस टूर्नामेंट के सपोर्टर। नई मुल्ला खान सर, वाजिद मियां, माजिद मियां और तनवस मियां, जिन्होंने बीएसएनएल की बेहतरीन गेंदबाज आए गेंदबाजी करने, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कप्तान आए गेंदबाजी करने आसिफ अली। देखिए कप्तान के, कप्तान के कंधों के ऊपर ना पूरी तरह से जिम्मेवारी जो है पूरी तरह से रहने वाली है, क्योंकि रन 84 लग चुके हैं। और ये देखिए अपने दादा के साथ खुश मिजाज में इस पूरे मैच का मजा लेते हुए नन्ना सहनसा। हाँ हवा में है मौका, नीचे फील्डर, अच्छा पकड़ा कैच, अनदर विकेट नंबर 5, आधी टीम पवेलियन की तरफ जाती हुई 86 रन पर। अगली गेंद, नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। नैना राम जी फर्स्ट अंपायर के रूप में हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगली गेंद फिर से कप्तान आसिफ, लेग स्टंप के फिर से काफी बाहर गेंद, एक और अतिरिक्त रन जुड़ेंगे वाइट के रूप में और धीरे धीरे स्कोर जो है। और ये देखिए काफी सारे हमारे गेस्ट जो इतनी गर्मी में थम्सअप के साथ इस पूरे मैच का मजा ले रहे हैं। आसिफ कमबैक करना पड़ेगा, 18 रन चाहिए 16 गेंदों पर। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर तो है, क्या पकड़ पाएंगे जी, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, 1 रन ही मिलेगा। और धीरे धीरे प्रेशर जो है कमता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि देखिए जहां पर लक्ष्य बड़ा था वहां पर धीरे धीरे अच्छी शुरुआत, उसके बाद एक अच्छा टोटल का पीछा करते हुए अभी तक 89 लग चुके स्कोरबोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की प्रगति में मुकाबला चलता हुआ। 15 गेंदे चाहिए 17 रन जीतने के लिए।
17 आता है तो खतरा मंडराता है, लेकिन खतरा किसके पक्ष में मंडराएगा? खतरे की घंटी तो बजी है, लेकिन क्या ये घंटी आखिर तक आखिरी ओवर तक बजेगी? करे टर्नेट की अगर बात करें 11.0, काफी सारे दर्शक हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, हमारे चीफ गेस्ट मूल मंच से इस पूरे टूर्नामेंट का मजा उठाते हुए, क्योंकि क्रिकेट जो है ना अभी सबसे एंटरटेनिंग, सबसे प्यारा गेम हो चुका है हमारे पूरे भारत में और बहुत ही हाईलाइट हो चुका है क्रिकेट। ये देखिए हमारे मूल मंच में काफी सारे गेस्ट जो मजा ले रहे हैं इस पूरे मैच का दिखाए जा रहे हैं, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जरूर, यूट्यूब पर मिलक प्रीमियर लीग सर्च करें या फिर सर्च करें tenniscricket.in। अगली गेंद तैयार, राउंड द स्टंप्स, रूड एंड से कट किया हल्के हाथों से, लेकिन स्ट्रेट टू द विकेट कीपर, ओवर की होगी समाप्ति। 8 के बाद 90, 5 विकेट के नुकसान पर, जीतने के लिए चाहिए अब यहां से 16 रन, 12 गेंदें चाहिए जीतने के लिए 16 रन, यानी कि यहां से अब मैच ना कुछ अलग मोड़ बदलेगी, कुछ अलग कांटा बदलने वाली है, कुछ बातचीत करेंगे दोनों बल्लेबाज अपने आप में, रणनीति बनाएंगे, सामने गेंदबाजी टीम हल्के में जाने नहीं देंगे, तो दिल थाम के बैठिएगा, ये आखिरी 12 गेंदें ना थ्रिलर होने वाली है, दांतों तले उंगलियां दबाने वाला ये मुकाबला होने वाला है, हर मैच आखिरी ओवर तक जाने वाली है। ये मुकाबला अच्छा चल रहा है, ये मुकाबला अच्छा चल रहा है, हम लोग सीधे अब जाएंगे दर्शक की तरफ और दर्शक की रिव्यू लेंगे, जहां पर रहेंगे हमारे गुड्डू भैया, कंटिन्यू। तो इससे मैं देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं ले चलता हूं दर्शकों के बीच में, जहां के मिलक प्रीमियर लीग 2024 से बातें होंगी दर्शकों से जो काफी दूर दराज इलाकों से आए हैं, सभी का सम्मान है, सभी का वेलकम है, और जो दर्शक होते हैं ना वो टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। समय देख सकते हैं स्क्रीन पे दर्शकों के बीच में, मिलक प्रीमियर लीग के आयोजक किसी फरहत मियां भाई के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन सोच, दर्शकों से सवाल करेंगे, कुछ हमारे बीच मौजूद हैं कुछ दर्शक, कहाँ से रहने वाले हैं सर आप? उदयपुर जागीर। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में, जो टूर्नामेंट इतनी खूबसूरत तरीके से इसको आयोजित कराया है फरहत भाई ने? फरहत भाई का पिछले टूर्नामेंट से बहुत नाम सुना था हमने, तो हम उदयपुर से ये टूर्नामेंट देखने आए हैं। एक छोटे से सवाल इस टूर्नामेंट के आयोजक के द्वारा, फरहत भाई के द्वारा एक छोटा सा सवाल रहेगा, उसके छोटा सा आपको टाइम पर मिलेगा आपको, आईपीएल का पहला संस्करण किस सन में खेला गया था ये पता है आपको? क्या आपको बता सकते हैं आईपीएल का पहला संस्करण, पहला सीजन किस साल में खेला गया था? 2022। गलत बात, गलत सवाल का जवाब है ये, और अभी भी बता नहीं पाएंगे, कोई बताना चाहेगा आप लोग किसी में? आईपीएल का पहला संस्करण, पहला सीजन किस सन में खेला गया? चलिए आपको ले चलते हैं, दर्शकों को जानकारी अभी हुई नहीं है और दर्शकों बीच में हम चलेंगे, फिलहाल मैच की तरफ नजर ले चलते हैं आपको। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे मौजूद है, मिलक प्रीमियर लीग 2024, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
ये काफी अच्छा मिला प्रीमियर लीग है, मैं इसमें रोज आता हूँ। जैसे कि भारत का एक बहुत लोकप्रिय लीग है, बताना नहीं चाहेंगे, बता नहीं सकते। और चलिए मैच पे फोकस करते हैं आपको। मैच बहुत ही क्रूजल मामला चलता हुआ इस समय, इसलिए मैच में जोड़ते हैं आपको कमेंट्री बॉक्स पे सुशील कुमार को। थैंक यू सो मच गुड्डू भैया, अच्छा मुकाबला चलता हुआ। देखिए ये सिचुएशन जो है काफी हार्ड सिचुएशन है, डेडलॉक सिचुएशन वाले मुकाबला चलता हुआ। तो काफी सारे दर्शकों से सवाल पूछे गए थे कि आईपीएल की समीकरण कौन से साल में हुई थी। काफी आसान सा सवाल था, लेकिन कोई भी दर्शक अभी तक आंसर दे नहीं पाए हैं। तो बिल्कुल जो आंसर देंगे उनको गिफ्ट हैम्पर मिलेगी। और अभी अगर मैच की तरफ रुक मोड़े, हाँ अच्छी गेंद यहाँ पर। आपको सवाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नगरिया। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी लीग है ये, पहला सीजन हम भी खेले थे, मगर अभी कुछ किरणों की वजह से हम खेल नहीं पाए वाला सीजन, कुछ परेशानी थी। T20 के इतिहास में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप किस सन में जीता था? वर्ल्ड कप ODI T20 2007 में। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है इन्होंने। तो ये मिलक प्रीमियर लीग के आयोजक फराज सैयद साहब की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। थैंक यू सर, इनका नाम नोट कर लिया जाएगा। मैच पे ले चलते हैं आपको। अगली गेंद, क्या छूटा है, क्या दिल टूटेगा, क्या मन रूठेगा, क्या क्या छूटा है या फिर मैच छूटा है। तो मैच में अभी तक जान बची है, क्योंकि यहां से जीतने के लिए अभी भी रन बाकी है 12। पहला आंसर दिया है रुमान ने और वो सही आंसर है। उन्होंने भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप अपना 2007 में जीता था, युवराज सिंह ने MS धोनी की कप्तानी में, और सात लगातार 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में। थैंक यू, रुमान को मिलेंगे अभी, आपको बुलाया जाएगा वहां पे, प्लीज जाइएगा आप। ले चलता हूँ मैच पे सीधे, जहां पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। सुशील, अच्छा मुकाबला चलता हुआ, आखिरी ओवर, 6 गेंद से चाहिए जीतने के लिए 12 रन। पिछले मुकाबले में 6 गेंद से चाहिए था 7 रन, इस मुकाबले में 6 गेंद जीतने के लिए 12 रन। आहा, ये 6 गेंद ना थ्रिलर होने वाली है, ये 6 गेंद दांतों तले उंगलियां दब जाएगी, दर्शक कुर्सियां छोड़कर खड़े हो जाएंगे। एक एक गेंद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कप्तान किसको थामेंगे, कप्तान ने गेंदबाजी के लिए शाहरुख को दिया है, यहां पर शाहरुख को बुलाया है। क्या शाहरुख अपने टीम के लिए वो भरता हुआ सितारा बन पाएंगे, क्या अपने टीम के लिए वो हार्दिक पांड्या बन पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, बात कहा था, हार्दिक पांड्या बन सकते हैं, सामने सूर्य कुमार बनना पड़ेगा, क्योंकि वही सामने शॉट था, सिर्फ लॉन्ग ऑन के जगह लॉन्ग ऑफ में शॉट मारी गई थी, लेकिन यहाँ पर कैच पकड़ा नहीं, यहाँ पर कैच छूटा है। कैच छूटा है, क्या मैच भी छूटेगा। 5 गेंद चाहिए जीतने के लिए 12 रन। और ये देखिए मूल मंच में सी फराज सर, उसके साथ ये शॉट ऑफ द मैच हो सकता है, 4 गेंदे चाहिए 6 रन। हाँ, इस तरह की सिचुएशन में आकर के आप इस तरह की छोटी गेंद डालोगे ना, तो बल्लेबाज तो बचेंगे नहीं। एक और इसी के साथ जीत चुकी है मुकाबला म्यूजिक।
मैच बने हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं कासिम मियां। चलेंगे सीधे यहां से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। गुड टू बी आर प्लीज एक बार फिर से नाम बता दें। कासिम मियां, कासिम मियां, हां जी। तो प्लीज आ जाए कासिम मियां, मैन ऑफ द मैच प्राइस सेरेमनी में आ जाए प्लीज आप। उनका स्कोर एक बार बता दीजिए सुशील। 2 विकेट, इंपॉर्टेंट ओवर, क्रूशियल ओवर जहां पर 2 विकेट दिलाएं। तो प्लीज आ जाएं कासिम मियां। बहुत शानदार गेंदबाजी की कासिम मियां इस पूरे मुकाबले में और 2 बेशकीमती विकेट लिया जिसके बदौलत उन्हें मैन ऑफ द पुरस्कार से, मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो कासिम मियां प्लीज आ जाएं। मिलक प्रीमियर लीग 2024 इसका यह दूसरा मुकाबला आज के इस मैच के, मैन ऑफ द मैच कासिम मियां। कमाल की गेंदबाजी की इन्होंने, 2 विकेट लिए अपनी टीम के लिए।